बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी थी कि मुझे आईपीओ भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी ने विप्रो का आईपीओ भरा होता, अगर इंफोसिस का आईपीओ भरा होता, अगर टाइटन के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो मेरे इतने पैसे बन जाते। और जो एक आम आदमी है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसको पता नहीं है कि कौन सा आईपीओ भरना चाहिए और कौन सा आईपीओ नहीं भरना चाहिए। आईपीओ भी हमेशा दो तरह के होते हैं, मल्टीवेगर, एक जो आपको लखपति बनाता है, दूसरा आपको रोड पे लेके भी आता है। यू हैव अ नंबर ऑफ आईपीओस। हाँ, मेरे ब्लॉग्स में मैं काफी बार शेयर करता हूँ कि हमें क्या चेक करना चाहिए प्रमोटर के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो कई लोगों की बार बार ये इंक्वायरी आती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आईपीओ अगर इन्वेस्ट करना है मुझे आईपीओ में, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी डू बिफोर इन्वेस्टिंग आईपीओ इन आईपीओ। और आईपीओ में, क्योंकि उसमें 15,000 से भी कम पैसे लगते हैं रिटेल इन्वेस्टर को सिंगल लॉट में अप्लाई करने के लिए, तो काफी बार ये इंक्वायरी बार बार आती है, इसीलिए मैं आपको सारे रिसोर्सेज बताऊंगा। मैं जो प्रैक्टिसेस अप्लाई करता हूँ, प्रिंसिपल अप्लाई करता हूँ, वो भी बताऊंगा। और लोगों को ये बता देता हूँ कि मैं एक सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरी पर्सनल राय है, और इसीलिए मैं और मेरी चैनल आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेवार नहीं रहेंगे। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कर सकते हो, जब भी आप इन्वेस्ट करो तो आप पर्सनलाइज एडवाइस लो। और जिस तरह हम लोग तैयार कपड़े लेते हैं तो उसका फिटिंग उतना कंफर्टेबल नहीं होता है जितना अगर हम कस्टमाइज दर्जी के पास सिलाते हैं। उसी तरह आपकी वाइफ भी जब आपको खाना बना के देती है तो आपको मोर कंफर्टेबल रहता है कंपेयर टू थर्ड पार्टी। तो उसीलिए जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो आपको कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं, और एज पर सेबी गाइडलाइंस आपको उन्हीं के पास से इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट वो पर्सन टू पर्सन वेरी होती है। तो ये जो मैं गाइडलाइन भी आज जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, दैट इज अ जनरल इंफॉर्मेशन। हो सकता है ये आपके लिए सुटेबल हो, ये हो सकता है ये आपके लिए सुटेबल ना हो, तो दैट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सीवी सर्टिफाइड या तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, जो सर्टिफाइड है, उन्हीं के पास से आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं। बट यहाँ पे मैं प्रैक्टिस शेयर करूंगा जो मैं पिछले 15 साल से आईपीओ इन्वेस्टमेंट के टाइम पे करता हूँ, मैं क्या चेक करता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है। अफकोर्स मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वहाँ पे आपको आप देखेंगे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसको आप इन्वेस्टमेंट के पहले इवोल्यूट कर सकते हैं, डिसीजन लेने में ये आपको काफी सहायता करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रही है, चित्तौड़गढ़ .com। इस पे आईपीओ की सारी डिटेल है, आप यहाँ पे जाके आईपीओ के बारे में जान सकते हैं। आपको बता दूं, आईपीओ दो तरह के होते हैं, एक मेन बोर्ड आईपीओ होता है जो बड़ी कंपनीज है, और एसएमई के लिए, हाँ यहाँ एसएमई आईपीओ, उसके बारे में भी डिटेल है। मैं दोनों के बारे में एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ वी कैन थिंक अबाउट इट। बट अभी हम बात कर रहे हैं करंट मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। जब आप चित्तौड़गढ़ .com पे जाते हैं तो आपको वो सारी डिटेल मिलती है कि करंटली कौन से आईपीओ है, कौन से आईपीओ नए आने वाले, उसके सारी डिटेल है। ऑल आईपीओ के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। जो आईपीओ इन अभी चल रहे हैं, इन नियर फ्यूचर आने वाले, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, उनकी साइज क्या है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और कई लोगों की इंक्वायरी थी कि हाँ, ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ चल रहा है, उसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो लेट्स वी टॉक टू दैट ऑल्सो। देखिए, आप जहाँ पे जाएंगे तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है उसके आईपीओ के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है, आईपीओ की साइज क्या है, पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको एक अवेयर करूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू भी बताया गया है। अफकोर्स जो हिडन एजेंडा होता है किसी भी प्रोमोटर का, वो उनके खुद के इन्वेस्टमेंट को एनकैश करना रहता है, ये हमेशा हमें थॉट्स पर प्रोसेस में रखना चाहिए। पर इसलिए आप काफी बार देखेंगे यहाँ पे तो जो भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है उसमें से ज्यादातर कंपनी का प्रॉफिट पिछले 2 साल में आपको काफी बढ़ा हुआ दिखेगा, और वो ऑडिटर काफी बार मेंशन भी करते हैं। पर इसलिए मैंने बोला कि आपको ऑथोराइज या तो एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा लेनी चाहिए। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है कि आईपीओ कब खुलता है, फेस प्राइस क्या है, आईपीओ की कॉस्ट क्या ले रही है कंपनी, इसका लॉट क्या है, अगर आप एचएनआई हो और आपको इन्वेस्ट करना है तो कब कितना का लॉट रहेगा, हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट, बल्क इन्वेस्टमेंट के लिए सारी डिटेल है, क्यूआईपी के बारे में डेटा यहाँ पे होता है, और आईपीओ कब लिस्ट स्टार्ट होगा, कब क्लोज होगा, आईपीओ कब लिस्ट होगा, उसकी रिफंड इनिशिएशन कब होगी, आईपीओ किस दिन लिस्ट होगा, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है।
और यहाँ पे आईपीओ जो है उसके बारे में बिडिंग स्टेटस भी मिलता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा तीसरे दिन आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ। उसकी पीछे दो वजह है। पहला कि जब तीसरा दिन लास्ट दिन होता है तब मुझे पता चलता है कि क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कितना इन्वेस्ट करते हैं, उससे एक पता चलता है आईपीओ की स्ट्रेंथ के बारे में। दूसरा, अगर आईपीओ मान लो मल्टीपल टाइम्स पढ़ रहा है तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम या तो लिस्टिंग के बाद प्रीमियम के साथ लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जरूरी नहीं है, काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि जो आईपीओ मल्टी मल्टी टाइम्स फिलअप हुआ है वो लिस्टिंग के दिन ही उतना टैंक हो जाता है, और कई बार वो अपने ओरिजिनल प्राइस पर कई हफ्तों कई महीनों और काफी बार कई सालों तक पहुंच नहीं पाता है। तो वो डिपेंड रहता है कि वो आईपीओ कैसा है, प्रमोटर कैसे हैं, तो आपको हमेशा ही देखना है। यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के जो मेन प्रोस्पेक्टस है जिसे आरएचपी और डीआरएचपी है उसके बारे में डिटेल मिलता है, कंपनी की वेबसाइट के बारे में डिटेल मिलता है। आप जाके यहाँ पे वेबसाइट के बारे में भी सर्च कर सकते हो, रजिस्टर के बारे में डिटेल मिलता है, और जो बैंकर्स है जो आईपीओ लेके आ रहा है उनका पास परफॉर्मेंस भी मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पे कई एक्सपर्ट जो है उनकी एडवाइस आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। जैसे इस आईपीओ के लिए यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट जो है जिन्होंने डिसाइड किया है कि आईपीओ लेना है, आईपीओ भरना है कि नहीं भरना है, वो सारा डिटेल मिलता है। हो सकता है वो आपको पता चले कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है। कुछ लोगों ने आप देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रल लिखा है, कुछ लोगों ने अवॉइड के करने के लिए भी बोला है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। हम यहाँ पे किसी एक आईपीओ रिव्यू को देखेंगे, लेट से हम यहाँ पे दिलीप दावड़ा जी का आईपीओ रिव्यू देखते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल चलता है, आपको पता चलता है कि ये कौन से सेक्टर का आईपीओ है, उसका प्रेफरेंस क्या है, कंपनी के बारे में बहुत सारा डिटेल आपको पता चलेगा, आईपीओ की हिस्ट्री पता चलेगी, बैंक की मतलब ये जो कंपनी है उसके पास परफॉर्मेंस या पास रिकॉर्ड्स है उसके बारे में भी बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है पिछले 3 साल का वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ कंपनियों जो अपना आईपीओ लाने वाली है वो क्या करती है, यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका पिछले 2 साल का आईपीओ लाने से पहले उनका प्रॉफिट जो है कई बार इन्फ्लेटेड रहता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बिटवीन द लाइंस मैसेज ऑल्सो। तो आपको हमेशा वो चीज भी देखनी है, और कंपैरिजन विद द पीयर्स ये हमेशा देखना है कि जो आईपीओ या स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्ट करते हो उसके पीयर्स का पी क्या है, उससे आपको पता चलेगा। दिस इज द वन ऑफ द कोर एरिया। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। मर्चेंट बैंकर जो आईपीओ रजिस्टर है उनका भी पास परफॉर्मेंस हमें देखना रहता है, और जो रिव्यूअर है उसने एक छोटा सा मैसेज दिया है वो भी यहाँ पे लिखना आपको देखना है। लेट से कि अगर मैं इस आईपीओ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लिखा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये शब्द पढ़ना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो आई सजेस्ट कि ये जो मैसेज है उनको आप सिलेक्ट करो, गूगल ट्रांसलेटर में जाओ और आप जो भाषा समझ सकते हो उस भाषा में ट्रांसलेट करो और उसको समझने की कोशिश करो, रादर देन अ थर्ड पार्टी पर्सन जिसको आईपीओ के बारे में हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आई सजेस्टेड कि आप क्या करें, हमेशा जाए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है मल्टीपल एक्सपर्ट की एडवाइस है, बिफोर इन्वेस्टिंग आपको ये चीज करनी चाहिए। क्योंकि आईपीओ है, काफी बार अगर वो ऑफर फॉर सेल नहीं है तो कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, तो कंपनी के प्रमोटर के पास परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं है, तो उस केस में आईपीओ लग जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन रहता है। दूसरा, मेरा कहना ऐसा है कि मैं हमेशा या एज अ रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास वो ज्यादा पैसा नहीं है, आई ऑलवेज टेक आउट माई मनी सेफ। तो लेट से कि मैंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया है 15,000, नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर सिंगल लॉट अलाउड अप्लाई करता है तो 15,000 से नीचे रहता है, अजम करते हैं। तो व्हाट आई डू कि लेट से उसमें 20%, 30%, 50% जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट पोर्शन को मैं वहां पे रखता हूँ और मैं अपने पैसे निकाल लेता हूँ और उसको मैं आगे एस्केलेट करता हूँ। अगर ये सवाल आता है कि भैया अगर आईपीओ में कम हो गया पैसा तो लिस्टिंग के, दैट्स व्हाई व्हाट आई डू कि मैं हमेशा तीसरे दिन आईपीओ में अप्लाई करता हूँ। पहले 2 दिन में मुझे आईपीओ का दो डेटा मिलता है, कितना टाइम्स वो आईपीओ भर रहा है। क्यूआईबी का डेटा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्यूआईबी कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, वेदर क्यूआईबी कोटा मल्टीपल टाइम्स भर रहा है कि नहीं भर रहा है।
एंड थर्ड, आपको यही वेबसाइट से या तो कहीं भी वेबसाइट है गूगल्स की, जिसमें जाके आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी चेक कर सकते हो। अगर किसी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार कम हो रहा है तो दैट इज अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी। हार्ड एंड मनी को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा हमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन से मिलती है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैं कौन सी कंपनी को ना लूँ, रादर देन कि मैं सारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। आपको हमेशा ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि मैं इस कंपनी में खूबी या क्या है वो तो कंपनी बताती ही है, बट इसमें खामियां क्या है या तो कंपटीशन की डिटेल क्या है वो हमेशा ढूंढना चाहिए और उसको निकालना चाहिए और उसके बेस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्सपर्ट की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप जितने भी लोगों को जानते हो उनसे ज्यादा एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पे मिल रही है। वो सारे के रिव्यूज को आपको पढ़ना चाहिए और उसके बाद में और तीसरे दिन 12 बजे के बाद करंट स्टेटस ऑफ आईपीओ जो है वो भी यहाँ पे मिल जाता है आपको। आप यहाँ पे जाएंगे और आप अगर आप देखेंगे इस आप लेट से कि यहाँ पे करंट, हाँ हम करंट सिचुएशन ही देखते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इस कंपनी का आईपीओ का कंडीशन क्या है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कितना भरा वो आप देख सकते हो और उसके बेस पर यू कैन टेक अ डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं फिर से बता दूं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन और लॉस बिकॉज ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। हमेशा इन्वेस्टमेंट कस्टमाइज एडवाइस के बेस पे लिया जाता है और कई बार ऐसा भी देखा हुआ है कि कुछ लोगों को हमेशा प्रॉफिट होता है इरिस्पेक्टिव वो कई लोगों से बात करते हैं, या तो हो सकता है कि उनका एस्ट्रो अच्छा हो, उनकी ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हो और उसी की वजह से उन लोगों को हमेशा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है। कई लोग ऐसे भी है जो कितना भी सर्च करे, कितना भी मेहनत करे, उनको प्रॉफिट नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रह बर्थ चार्ट उनके उनके जो प्लेसमेंट है, कई लोगों को जो प्रॉफिट है वो नहीं लिखा होता है उनके नसीब में। तो हमेशा आपको एक्सपर्ट एडवाइस जो है लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भी अपना जन्माक्षर चेक करना है तो मैं नीचे लिंक दी गई है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि एज पर योर बर्थ चार्ट आपको स्टॉक मार्केट में रिस्क लेना चाहिए, आपको डेली ट्रेडिंग करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अलग अलग प्रोस्पेक्टिव रहता है, जिनको स्पेकुलेशन से प्रॉफिट मिलना वैसे लोग मैंने देखा है जिनका बर्थ चार्ट में जो पांचवा घर है वहां पे अगर बेनिफिशियरी प्लेनेट की दृष्टि पड़ती है तो उनका इफेक्ट अच्छा है या प्लेसमेंट अच्छा है, तो वैसे लोगों को स्पेकुलेशन यानी कि सट्टे के जो धंधे, स्टॉक मार्केट सट्टा भी बोल सकते हो एक तरह से, तो उसमें उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। तो यू कैन अप्रोच मी, ऑफकोर्स इट इज अ पेएबल चार्जेबल सर्विस। और जब आप इस तरह देख लेते हैं इसको, सब कुछ देख लेते हैं, उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको दिखता है तो यू कैन टेक अ डिसीजन कि मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आईपीओ के बाद प्रोबेबल एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस भी मिलता है, तो आपको ये भी हमेशा चेक करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट गेन जो है वो भी देखता है मिलता है। तो रादर देन आस्किंग योर फ्रेंड जिनके पास कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं है और या तो सिर्फ वो ब्रोकर को पूछ के या तो अपनी खुद की एडवाइस बनाता है, आई सजेस्ट कि यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑलरेडी कुछ मेहनत कर रहे हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को हमें कंज्यूम करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आईपीओ लगने के बाद अगर मुझे वो शेयर रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने आगे भी बताया कि मैं अपने पैसे तो निकाल ही लेता हूँ, जो प्रॉफिट के पैसे है उसको रहने देता हूँ, बट उसको भी मुझे कहीं ना कहीं लेट से कि आपका क्वेश्चन है कि कभी तो निकालना है, तो जो नया बच्चा है वो कैसा भागेगा। तो हम लोग बर्थ चार्ट देखते हैं, उसी तरह WT ज्ञान का नाम मशहूर है पूरी दुनिया में। उन्होंने ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 की जो मेथड है या तो उनका नेम चार्ट वाइब्रेशन नंबर है वो आपको काफी गाइड कर सकता है। वहां पे उसके ऊपर से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ डेटा सीख सकते हो। ऑफकोर्स WT ज्ञान की कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो इतनी सरल नहीं है, उन्होंने हमेशा कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। WT ज्ञान का मानना था डिले ग्रेटिफिकेशन, वो चाहते थे कि मेहनत करने के बाद ही आदमी को मिले, तो उन्होंने हमेशा अपने जो डिटेल है वो कोडेड लैंग्वेज में लिखा, प्लेन वलीना लैंग्वेज में नहीं लिखा है। हाँ तो अगर आप WT ज्ञान को भी सीखना चाहते हो तो कई एक्सपर्ट है, उनकी डिटेल भी मैंने यहाँ पे दिया जिनको मैं फॉलो करता हूँ, इसी वीडियो में आप उनके वीडियो देख के सीख सकते हैं। बट हाँ अगर नया आईपीओ है उसको बाद में जो प्रॉफिट के शेयर है उसको निकालना रखना उसको क्या करना है, उसके लिए मैं हमेशा ज्ञान नेम चार्ट वाइब्रेशन नंबर जो है उसको यूज करता हूँ। वहां से मुझे फ्यूचर के पॉइंट्स मिल जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट मिलते हैं और उसके बेस पर मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है
उसकी डिसीजन लेता हूँ। अगेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कस्टमाइज होता है, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह हमेशा लेनी चाहिए। मैं और मेरा चैनल किसी भी प्रकार के आपके फाइनेंशियल लॉस और प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैंने यहाँ पे जो ऑथोराइज इंफॉर्मेशन कहाँ पे है वो बताया है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको एक ही पेज पे मिल जाती है। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। और जब कोई भी कंपनी का अलॉटमेंट हो जाता है तो हमें एनएससी या बीएससी का उसका कोड मिल जाता है, उसके बेस पर मैं नेम चार्ट वाइब्रेशन का वीडियो जो है जरूर बना के उसी दिन पब्लिश करने का कोशिश करूंगा, जिसके बेस पर आप फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हो आफ्टर कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको नेम चार्ट वाइब्रेशन का डेटा मिल जाता है तो उसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो कि ये फलाना शेयर है इसको मुझे यहाँ पे बेचना है, रखना है, नहीं रखना है। तो आई सजेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नेम चार्ट वाइब्रेशन का वीडियो पब्लिश होते ही आपके पास पहुंच जाए और बिफोर लिस्टिंग आप आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ रेडी रहो। थैंक यू।